उमर भाई की शादी के लिए निकल चुके हैं रोहतान से डेरा गाजी खान की तरफ, और अभी ये ड्राइवर साहब से मेरी बात हुई है, बता रहे थे कि यहाँ से सफ़र जो है वो सिर्फ 1.5 घंटे का है, यानी कि 1.5 घंटे में हम मुल्तान से डीजी खान पहुँच जाएंगे और वहाँ उमर भाई के साथ मुलाकात होगी हमारी। उनकी शादी है, हम उन्हें शादी की मुबारकबाद पेश करते हैं और वहाँ जाके भी करेंगे इंशाल्लाह। ये 12 रबीउल अव्वल का जुलूस लेकर लोग निकले हुए हैं और हम इस वक्त डीजी खान की तरफ रोड पे हैं। बड़े ही साफ सुथरे किस्म के रोड नज़र आ रहे हैं फिलहाल, आगे जाके पता नहीं कैसा माहौल होता है, लेकिन ये अच्छा सफ़र है माशाल्लाह। ये रास्ते में मुजफ्फरगढ़ शहर आ गया है और ये व्यू बहुत ही प्यारा है यहाँ पर दरख्तों का, बड़ा ही गोलाई में खूबसूरती के साथ ये दरख्त लगे हुए हैं और आई थिंक ये फ्लाई ओवर है और बाकी शहर जो है वो यहाँ से नीचा है थोड़ा सा, जैसे इस वक्त हम फ्लाई ओवर से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। ये कोई सहराई इलाका लग रहा है, यहाँ पर काफ़ी रेतली किस्म की ज़मीन है और मुख्तलिफ उस पर पौधे भी लगे हुए हैं फिलवक्त, और ये खम्भे भी नज़र आ रहे हैं दूर दूर तक। रोड बड़ा प्यारा है, स्मूथ है, कोई मतलब झटके वगैरह नहीं है, बड़ा बेहतरीन बना हुआ है रोड। हमारे भाई बंधु हैं, ये स्पेशल लाहौर से आए भाई की शादी के लिए, और ये हमारे उमर भाई हैं, ये मेहमानों से मिल रहे हैं, ठीक है, इनकी शादी है, इसमें हम शरीक हुए और बस अब वापसी का प्लान है इंशाल्लाह। ये हमारे वसीम भाई हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, सका भाई हैं, ठीक है, और ये सब भाई लोग, ये मेरा का सुफियान भाई, सुफियान भाई, मैं विश्वराय क्या, ये उमर भाई हैं, ये विक्रम अनिल भाई हैं, अनिल भाई, ये ठाकुर है हमारे, ठीक है, ये हमारे सामने उमर भाई हैं, थोड़े से मसरूफ हैं लेकिन इंशाल्लाह इनके साथ गपशप करेंगे। मैं दोबारा आना है, प्लेयर इसे दोबारा आने का शौक है, ये तो वीडियो बनना शुरू होगी, चलो वीडियो ही चाहिए, नहीं ठीक है वीडियो, ये लो जी वीडियो। हम उमर भाई को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं उनकी शादी पर, और हम आए, हमें बड़ी खुशी हुई और जिस तरह से इनके वालिद साहब ने हमारा इस्तकबाल किया उसके लिए हम इनके बेहद मशकूर हैं और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इन्हें आने वाली ज़िंदगी में खुशियाँ खुशबख्तियाँ अता फरमाए और इनकी जो भी मुश्किलात हैं वो आसान करे और इन्हें हमेशा खुश रखे, आमीन। हम इस वक्त डीजी खान टर्मिनल पर मौजूद हैं फैसल मोहर के, और यहाँ पर मोस्टली जो लोग हैं वो सराइकी बोलने वाले हैं, इडू उडू किडू इस तरह की ज़बान बोलते हैं ये लोग, बड़ी प्यारी मीठी ज़बान है सराय की, तो यहाँ पर काफ़ी मतलब ट्रैफिक भी है और बड़ा खूबसूरत सा शहर है और रोड भी बड़े खुले खुले हैं फिलहाल, जहाँ जहाँ मैं घूमा हूँ वहाँ तो रोड बड़े खुले हैं, लेकिन अंदर भी मे भी कुछ गलियाँ हों जो तंग भी हों, तो बड़ा ही खूबसूरत शहर है ये। बस हम यहाँ से निकलने लगे हैं वापस मुल्तान के लिए, मुल्तान जा के मिलते हैं इंशाल्लाह। ले जी, हम डीजी खान से निकल चुके हैं, एपीवी में हैं इस वक्त, और ये आई थिंक सो कि ये बस स्टेशन है डीजी खान का जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, और सफ़र में भी साथ रहेंगे और हमारी मंजिल है जो मुल्तान। ये जी, हम दरियाए चनाब से गुज़र रहे हैं और यहाँ पर पानी भी देख सकते हैं हम, ठीक है, फ्लड कहाँ है ना, हाँ जी, और ये पुल है जिसके ऊपर से हम गुजर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आते हुए तो मैं अकेला था लेकिन वापसी में मेरे साथ मेरे भाई, मेरे दोस्त उस्मान भाई हैं, ये हम सफ़र बन गए हैं, तो इनके साथ सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है वापसी का, और अब हम वापस जा रहे हैं डीजी खान से मुल्तान की तरफ, और ये बाहर का व्यू है, ये हम चनाब दरियाए चनाब जो है वो क्रॉस कर चुके हैं और अब हम ये अपने रास्ते पर गामजन हैं अपनी मंजिल की तरफ। ऑफ टू डीजी खान, बड़ी खूबसूरत रोड्स पे फिर दोबारा आ गए हम, बड़े ही साफ़ सुथरे रोड हैं, झटके शटके नहीं लग रहे हैं, वरना जो हमारा टिब्बे वाला रोड है वो शायद आपने देखा हो,
देखो उस रोड पर इतने झटके लगते हैं कि वीडियो बनाना भी इम्पॉसिबल है।